बछड़े को जन्म देने के बाद गाय के पहले दूध से बहुत ही अमेजिंग सी स्टीम्ड बर्फी आपके लिए बनाने जा रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस बर्फी को बनाया जाता है, लेकिन आज बिल्कुल नेचुरल मिल्क से हमने आपके लिए इस रेसिपी को बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पे अगेन शेयर करेंगे आपके साथ एक यूनिक सी रेसिपी। बहुत ईजली बन जाने वाला, प्रोटीन से भरपूर ये डेजर्ट है। पहले 8 दिन ये दूध डायरेक्ट पिया नहीं जा सकता, इसका या तो पनीर बनाया जाता है या बनाया जाता है इस तरह की बर्फी। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, बनाने बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बछड़े के जन्म लेने के बाद का जो दूध है उसे हमने लिया है। 2nd डे का मिल्क है। 1st 5 डेज पे मिल्क काफ़ी गाढ़ा होता है, 8 दिन तक वैसे गाढ़ा रहता है, 8 दिन तक डायरेक्ट इसे नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो ये जल जाता है, फट जाता है। हमारे पास 2nd डे का अवेलेबल है, पूरा 1 लीटर दूध यहाँ पे हम ले रहे हैं। बछड़े के पीने के बाद भी काफ़ी मिल्क बच जाता है, जिसे कस्टमर्स को दे दिया जाता है, तो ऐसा ही दूध आज हमारे पास भी अवेलेबल है, जिससे हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये अमेजिंग सी बर्फी। यहाँ पे हमने इस दूध को पहले से ही छान लिया था, पूरा 1 लीटर दूध यहाँ पे हमने लिया है, काफ़ी गाढ़ा दूध है। और बस पूरे 1 लीटर दूध में यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं चीनी, डायरेक्ट चीनी ऐड करेंगे। दूध ठंडा है तो काफ़ी टाइम लगेगा उसे घूलने में, तो यहाँ पे हमने चीनी का पाउडर बना लिया है। पूरा 200 से 250 ग्राम चीनी 1 लीटर दूध में हमें लेनी है, क्योंकि इसमें मीठा थोड़ा तेज अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे हमने चीनी के पाउडर को ऐड कर दिया है, अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। और ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम हल्का सा इलायची पाउडर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो चुटकी में इलायची पाउडर यहाँ पे हमने ऐड करा है, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह के कंटेनर में इसे ले रहे हैं, आप चाहें तो इसे किसी प्लेट में भी, थोड़ी गहरी प्लेट में इसे ले सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया, स्टीम बर्फी आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा पानी पहले से ही बॉयल कर लिया है, और इसके ऊपर हमने किस तरह का स्टैंड रख दिया है। यहाँ पे हम इसे बर्तन को रख देंगे, जिसमें हमने हमारा दूध लिया है, और इसे हमें कवर करके रख देना है। आप चाहें तो इसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। हमने इस तरह से कढ़ाई में इसे स्टीम करा है, पूरे 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर करके रखना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 20 से 25 मिनट बाद एक बार इसे टूथपिक की हेल्प से हम चेक करके देख लेंगे, बिल्कुल भी गीला लिक्विड इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल भी कोई गीला बैटर इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारा बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, तो हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे हमने उतार लेना है और करीब 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, जिससे कि स्टीम इसकी रिलीज हो जाए, और उसके बाद हमने इसे रखना है फ्रिज में। नॉर्मल दूध में दही और कुछ चीज़ें और मिलाकर भी हम इसे बना सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसे बनाया है। 10 मिनट हो गए हैं, करीब 3 घंटे के लिए हम इसे रखने जा रहे हैं फ्रिज में। यहाँ पे 3 घंटे बाद कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें ये मिला है, अच्छा सा ठंडा हो गया है ये। हमने इसे फ्रीजर में नहीं रखा था, यानी आइसिंग डिपार्टमेंट में हमने इसे नहीं रखा था, नॉर्मल इसे कूलिंग डिपार्टमेंट में ही रखते हुए अच्छा सा ठंडा कर लिया है। और बस बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी खरबस की मिठाई बनकर तैयार है सर्विंग के लिए। इसे अपनी मनचाही शेप में कट कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये खाने में। स्क्वायर शेप में हमने इसे कुछ इस तरह से कट कर लिया है दोनों ही साइड से, और एक बार इसे चारों तरफ से कुछ इस तरह से हम साइड्स में से हटा देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली ये छूट गया है इसमें से, और बस बिल्कुल बढ़िया सी खरबस की मिठाई हमारी बनकर है तैयार। और बस निकालेंगे इस बर्फी को एक सर्विंग प्लेट में, आप देख सकते हैं पूरा प्लेट भर के बर्फी हमारी बनके तैयार हुई है, और इसका टेक्सचर कितना ही बढ़िया आया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टीम्ड है और देखने में ही कितनी टेम्प्टिंग लग रही है। और बस गार्निश करेंगे इसे मन चाहे ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो यहाँ पे हमने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर दिया है, जिससे देखने में और ज़्यादा मज़ेदार लग रही है और इसका स्वाद भी दोगुना हो गया है। प्रॉपर जाली के साथ हमारी ये बर्फी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर है इसका। अगर आपके पास भी ये वाला मिल्क ना हो तो इसके दूसरे तरीके से भी हम इस बर्फी को बना सकते हैं, हमारे साथ शेयर करिएगा कि अगर आप चाहें तो हम आपको दूसरा तरीका भी इसका बता सकते हैं, कि बिना इस दूध की अवेलेबिलिटी के आप किस तरह से इस बर्फी को ईजिली बना के अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।